बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आमिर भट्ट और आप देख रहे हैं सिटी 5 टीवी। बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों। मोहल्ला बंगला आबादी गखड़ के रिहायशी नौजवान जो कि कार की टक्कर से सड़क पर गिरने वाले मोटरसाइकिल सवार नौजवान को मौका पर तशद्दुद का निशाना बनाने के अलावा अगवा करके देर ऐप पर ले जाकर 1.5 घंटे से जायद वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुलजमान के खिलाफ ताहाल कोई मुकदमा दर्ज न हो सका। पुलिस थाना सदर ने उल्टा मुतासरा नौजवान और उसके हक में आवाज उठाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मजीद जानेंगे तफसीलात साजिद हुसैन भट्ट की सेवा में। मोहल्ला बंगला आबादी गखड़ के रहायशी 19 साल नौजवान चंद जेब ने प्रेस क्लब में सहाफियों को बताया कि वो अपने दोस्तों तैमूर, मोईद, आसिफ, वसीम जफर के हमराह गखड़ की तरफ से वजीराबाद आ रहा था कि दोंकल मोड़ के करीब टोयोटा क्रोला कार ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे वो नीचे गिर गए। साइलिन की मदद करने की बजाय मुलजमान अली आसिफ, अहमद आसिफ, फैसल पसरान मोहम्मद आसिफ, हमजा शहबाज जुइंदा साकनान दोंकल गाड़ी से उतरे और साहिल उसके साथियों को मारना पीटना शुरू कर दिया। मोटरवे पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग करती हुई मौका पर पहुंची, जिन्हें देखकर मुलजमान ने साहिल को अगवा कर लिया और अपने डेरे वाकया दोंकल गांव ले गए। हवेली में बंद करके डंडों सोटों से वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे कान का पर्दा फटने के अलावा शदीद दिमागी चोटें आई। पुलिस मौका पर पहुंची, जिन्होंने मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई की बजाय उल्टा साहिल, चांदजेब और दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा नौजवानों ने इल्जाम लगाया है कि बासर अफराद की इमा पर पुलिस थाना सदर ने उन्हें इंसाफ से महरूम कर दिया है। मुतासरा नौजवानों ने CPO गुजरांवाला, RPO गुजरांवाला, वजीर आला पंजाब से झूठे मुकदमे के हराज और मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। साजिद हुसैन भट्ट, सिटी 5 न्यूज, वजीराबाद। सिटी 5 टीवी में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए सिटी 5 टीवी, मत भूलिए हमारा पेज लाइक करना सिटी 5 टीवी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के।